राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 21 सितंबर सन 1975। ये मासिक सत्संग है। इतवार के दिन परम दयाल जी के प्रवचन अथवा क्वार लगत प्रतिपदा को इतवार के दिन श्राद्धों के दिन में परम दयाल जी के प्रवचन राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। संत मत के संस्कारों से मैंने गुजारी, मैंने प्रण किया था जो कुछ मुझको संत मत से मिलेगा वह बता दें। दादादार ने कहा था चोरा छोड़ने से पहले टाइम बदलता है। बहुत काफी मैंने काम किया है मगर उस काम का कोई फायदा मुझे नजर नहीं आता। जो कुछ संत मत की तालीम है उसको दुनिया को जरूरत नहीं, दुनिया को संत मत की तालीम की जरूरत नहीं। हम लोग तो दुनिया का सुख चाहते हैं। आप कुर्सी ले लो, इनको कुर्सी दे दो। हम लोग जो दुनिया का सुख चाहते हैं, औलाद चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, मगर तजर्बा ये साबित करता है कि धन वाले भी एक दिन यहां से चले जाएंगे, इज्जत वाले भी एक दिन चले जाएंगे और फिर कोई जरूरी नहीं है कि हमको हमेशा ही इस किस्म के अंदर सुखी रहे। अब मैं हूँ, बूढ़ा हो गया, कभी खारिश की बीमारी हो जाती है, इसलिए दिशा से बड़ी बीमार था। अब यहाँ एक घोड़ा निकला हुआ है बाई बाई तरफ। ये दुनिया क्या है? क्योंकि मेरा कर्म था, दादा ने कहा था, इसलिए मैं काम करता हूँ। आज आपको सबक सुनाता हूँ, पढ़ो क्या है। राहत बलिहारी मैं सतगुर के मेरा दर्श करते भर में भाग बलिहारी मैं सतगुर के मेरा दर्श करते भर में भागा धर्म राय से तिने का तोड़ा जम दुश्मन से धर्म राय से तेने का तोड़ा जम दुश्मन से दूर किया शब्द पाने पर मान किया। बस अब देखो ये शब्द आपने सुना गुरु की मामा, कोई तो गुरु की मामा ये कहते हैं कि गुरु के प्रसाद से मेरे बच्चा हो गया, कोई इसलिए तारीफ करता है, कोई गुरु की तारीफ इसलिए करता है कि उसके कहने से कोई बात पूरी हो गई। मेरा तजर्बा इसके बरखरा, मैंने चेला बन के देखा, गुरु बन के देखा। जो कुछ किसी को मिलता है
ये उसका अपना विश्वास है या उसका अपना कर्म, ये मेरी समझ में बात है। लोग मेरे पास से प्रसाद ले जाते हैं, बीमार आदमी ले जाते हैं, वो मेरी तारीफ करते हैं। अगर मेरे ही प्रसाद से वो राजी हुए वो होते तो मैं अपनी बीमारी याद नहीं कर सकता था। अगर मेरे ही प्रसाद से दूसरा राजी हो सकता है तो मैं अपनी बीमारी दूर नहीं कर सकता। मैंने सारा जीवन इस खबत में खोया है कि हकीकत और असलियत क्या। बानिया हम पढ़ते थे, अब आपने सुना हुआ सुखमनी साहब के प्रभ चमरण से पतवन से प्रभ चमरण से धूप का नाश प्रभ चमरण से दुश्मन कहे प्रभ चमरण, ऐसी भी बानी है या कि नहीं। बानी के देखने वाला गुरु अर्जुन जी, अगर प्रभ चमरण से दुश्मन कर सकता है तो गुरु अर्जुन देव का भाई जो था बड़ा वो उसके बरफरा था, उसने कितनी कितनी मुसीबतें गुरु अर्जुन देव को जलाई, उसकी दुश्मनी को दूर ना कर सके। एक सोचने की बात है, सोचो मेरी बात, मैं मुतसर नहीं हूं, चेकी नहीं, हर चीज को सच्चाई से देखकर दादा जाल से बड़े आपकी उसके मूर्ति थे, नबी का नाम नहीं जानते थे, उन्होंने धाम बनाई काम उदरी, हालात ऐसे बने उनको काम छोड़ के जाना पड़ा। तो अगर राजा जाल या गुरु अर्जुन देव या कोई और महात्मा किसी के दुखों को दूर कर सकता होता तो पहले अपने दुख दूर कर लेते। मैंने क्या कहा है आपने सोच लो। तो इसलिए मुझे लंबे को ड्यूटी थी कि तालीम बदल जाना, मैं तालीम बदले जा रहा हूं। ए इंसान, तुझको जो कुछ मिलता है मिल चुका है या आगे मिलेगा वो तेरा अपना कर्म है, तेरी अपनी नियत है। कर्म जो जो करेगा तू अंत में, उससे मुझे क्या फायदा हुआ। जब मुझे कोई तकलीफ होती है मैं सब्र से बर्दाश्त करता हूं, हाँ भाई मेरे कर्म ऐसे होंगे, मैंने कुछ कर्म किए हुए होंगे इसलिए मुझको ये तकलीफ है। तो एक तो जो गुरु मत से मैंने समझा वो ये है कि गुरु की संगत से इंसान को सीधा रास्ता मिलता है और उसके भ्रम और शंकाएं और सवाल और जवाब खत्म होते हैं। संत तुलसीदास जिसने रामायण लिखी है, जिसने ये कहा कि मुझे चित्रकूट के घाट पर पड़ी संतन को तुलसीदास चंदन घर से देख रही। अब जो आदमी इस वाणी को पढ़ेंगे वो क्या समझेंगे कि तुलसीदास जी को राम को डरते हैं, यही मानेंगे ना। और तुलसीदास को अगर राम के दर्शन हुए हुए होते तो 3 साल पिछली उम्र में वो तकलीम उनको लिखन की हुई जिसका कोई उदाहरण नहीं। स्वामी राम के लिए परमहंस का क्या हाल हुआ, यीशु मसीह का क्या हाल हुआ, सूर्यों पर टांगा गया। तो मेरे समय ड्यूटी थी तालीम को बदल जाना, इसलिए मैं तालीम को बदले जा रहा हूँ। पता नहीं मैंने ठीक कहता हूँ या गलत कहता हूँ, इसका मतलब दावा नहीं। हमको तुमको जो कुछ मिलता है हमारे कर्म का फल मिलता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि राम नाम के जपने की बजाय अगर हम लोग अपनी नीयत को साफ रखें और अपना कर्म ठीक करें तो पिछले जो कर्म हमने किए उनको तो फल भोगेंगे ही। अंडा तो अपने कर्म को ना तुम बनाओ, भाई अंडा तो अपने कर्मों को ना बढ़ाओ। ये है तालीम जो मैं बदलना चाहता। एक
दूसरा सद्गुरु की क्या बेटा है, सद्गुरु की दया से भरम जाते हैं, भरम जाते हैं। और कोई शख्स मेरे पास जब प्रसाद ले गया, उसके लड़का हो गया या बीमार डाली हो गया, अब वो ये समझता है कि बाबा को किसने लड़का दिया, वो उसको भरम है, वो उसको भरम है, वो अज्ञानी है। मेरा तो एक भरण ये चला गया, लाख तुम ईश्वर की भक्ति करो, लाख तुम गुरु के पांव धो धो के पियो, जो कर्म तुमने किए हुए हैं उसके फल से तुम नहीं बच सकते, ना मैं बच सकता हूँ, ना कोई संत बता, ना कोई अवतार बता, ना कोई वली बता, ना कोई रसूल बता। हे गुरु मत तारी करने की क्या जरूरत है, वो इसलिए कि गुरु से समय ले लो, ज्ञान ले लो, अपने धर्मों का नाश कर लो। अब देखो धर्म क्या है, मुझे रोज सीखना आती है, दो तीन चार मेरे लिए मदद कर ली, सुपने में मदद कर दी, जागृत में मदद कर दी, पर्ची हल करा दी। अब मैं तो होता नहीं, दूसरों को यह भ्रम है कि मैं करता हूं। इस भ्रम में आकर हम व्यक्तियों को इन मध वालों ने, इन पंथ वालों ने लूटा है। इस भ्रम में हमको रखकर, समझा मेरा मतलब, हम व्यक्तियों को लूटा गया है, हमको बेवकूफ बनाया गया है। और हमारी गलती नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, हमसे नाके लड़वाए। बात सच्ची है, ये भ्रम, ये भ्रम मेरा गया, सिर्फ आप लोगों की चरणों की बदौलत, आप लोगों के चरणों की बदौलत मेरा भ्रम गया। कृषक है, अब कृषक है, उसने किताब लिखी है, किसी लेख मारा, अब जो पढ़ेगा वो कृषि की कितनी तारीफ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, मेरे पर कितनी आएंगे। मगर कृषि इतना ऊंचा कर जाने के बावजूद भी इस बुढ़ापे में आंखों में नजर नहीं आता, टांग टूटी हुई है, चल नहीं सकता। अब मैं सोचता हूं कि इतना ऊंचा चढ़ गया, अगर संत हो गया कोई, परम संत हो गया कोई, उसमें कोई शक्ति हो गई तो अपनी तकलीफ को दूर नहीं कर सकता, दूसरों की क्या तो करेगा। सोचो मेरी बात को, मैं तुम लोगों को, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे अजीज हो, माताओं हो, मैं तुमको बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहता। मैं सत्पुरुष हूं, दुनिया में आया इसी वास्तव में, मेरे कर्म ही ऐसे थे तो मैं सच्चाई खोल के बता रहा। तो क्या भ्रम है, ए इंसान, तुझको जो कुछ मिलता है तेरे अपने विश्वास, तेरी अपनी यकीन, तेरी अपनी नियत, तेरे अपने कर्म का भ्रम होता है। बस नाजी साहब मेरे पास आते हैं, दूसरे कई बड़े बड़े अवसर आते हैं, मैं अपने सिर पर एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूं, अपने सिर पर एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि भ्रमों को दूर करो। भ्रम क्या है, तुम्हारे अंदर अधराम प्रगट हो गया, बाबा वसूल प्रगट हो गया, बाबा सावन सिंह प्रगट हो गया, या कोई और गुरु प्रगट हो गया। और तुम ये समझ के राम वहां से आया है, दिल्ली आई है, देवता आया है, या बाबा फकीर आया है, तुम इस भ्रम में आकर अपनी जायदाद और अपनी इज्जत और अपना मान जाके वहां देखते, कोई जाति रुपया खर्च करता है तो इशार को नहीं देता है, कोई आगे देता है, कोई सिंधपुरी में देता है, कोई दूर सिद्ध को देता है,
ये है क्या सारा चीज, ये भ्रम है। सोच लो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी तो तुम लोगों की वजह से आंखें खुल गई हैं। कई मुझे कहते हैं बाबा तू गुरु मत का खंडन कर। मैं गुरु मत का खंडन नहीं करता, मैं बताना चाहता हूं कि असली गुरु मत क्या है। गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है बड़े का। दुनिया में हर जगह है हिंदुइज्म है, एक यहां मेजर जनरल आया हुआ है बाबा सामू सिंह का जिला, उसने हुक्म दिया हुआ था सत्संग कराया करो, साइजनी काम करता रहा, अब तू तो मेरे पास आने लगा, मेरे खराब उसको पसंद आए, मैं समझ गया किया है। उसने बाबा चरण सिंह को चिट्ठी दी कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, मैं यहाँ सत्संग कराता हूँ। बाबा चरण सिंह ने कोई जवाब सरकी साहब ने लिख दिया उसको, तुम सत्संग नहीं करा सकते, मैं नाम दे सकती हूँ, नाम देने वाला छोड़ दे बाबा चरण सिंह और कोई। ये साक्षर है, ये यही तो मैं कहता हूँ कि हम व्यक्ति हैं बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। हमको सच्ची बात कोई बताता नहीं है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। मैं किसी को नाम नहीं देता ना, लोग अपने मन से विश्वास कर लेते हैं, मेरा रूप कर ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनको सीधी सीधी मिल जाती है, उनकी तरक्की हो जाती है। मैं तो कुछ करता नहीं, ना मुझे पता होता है। यह है 100% सच्चाई जो मैं ध्यान कर रहा हूं। तो कबीर साहब कहते हैं कोई पहली कवि को बलिहारी सतगुर के मेरा दर्श करते भरम भागा। परम से मैं क्या करता, मैंने अपने आप को संसार गुरु वक्त कहा है, सोचता हूँ जूता तू हंकारी तो नहीं है, मैं हंकारी हूँ। मेरे सामने ड्यूटी है निबल अबल और अज्ञानी जीवों की मदद करना, इस वास्ते मैं साफ ज्ञानी करता हूँ। ये तो नहीं कहता कि मुझे पूजो, मुझे मत्थे टेको, मेरी गुड़ी चढ़ाओ, ये तो नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूँ मेरी बात को सुनो, अपने भ्रमों को दूर करो, अपनी जीवन को सीधे रास्ते पर करके अपनी जीवन को गुजारा करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। आगे धर्म राय से दिन का तोड़ा जम दुश्मन से दूर किया। सब दुनिया कहती है धर्म राय, पता नहीं कबीर का क्या मतलब है धर्म राय से दिन का तोड़ा, मुझे नहीं पता। जो मैंने समझा वो कहता हूँ, जब आदमी मरता वो कहते हैं या यमदूत आते हैं या धर्मराज आता है, ये कहते हैं ना, यमदूत आते हैं धर्मराज आता है। जो आदमी मरने लगता है, जिसके सामने उसका इष्ट राम कृष्ण देवी या गुरु या कोई आ जाए, वो धर्मराज है, और जिसके सामने भूत सांप ठूंगे ऐसी खौफनाक चीजें आती हैं, वो यमराज। मैं यमराज से और धर्मराज से तिनका तोड़ गया, वो अभी मैं फंसा हुआ हूं, मेरा अंजाम क्या हो इसका मुझे पता नहीं। ये तिनका तुम लोगों ने तोड़ाया, जब लोग मरते हैं वो कहते हैं बाबा फकीर आया, कोई कहता है पालकी लेके आया, कोई कहता है घोड़ा लेके आया, कोई कहता है हवाई जहाज लेके आया। मैं तो होता नहीं, तो जो आदमी सारी जिंदगी
अपने गुरु के झूठ के साथ ही बजे हुए हैं और गुरु को बाबा सावन सिंह या फकीर चंद या चरण सिंह या कोई और समझे बैठे हैं, उनका नाता धनराज से नहीं जुटा। उनका रिश्ता धर्मराज से नहीं टूटा। वो आदमी जिसको अंत में कोई रूप लेने आता है, राम का, कृष्ण का, मोहम्मद का, कृष्ण का या किसी गुरु का, वो आवागमन के चक्कर से नहीं बच सकता। उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? कि वो जो आता है वो उसका अपना ही मन है, अपना ही विश्वास है, अपना ही उसका ख्याल है। इसका सबूत मेरे पास है, अपनी जिंदगी। लोग मरते हैं, मेरे बाप को पता नहीं लगा कौन मर गया। यहाँ एक इंदौर की माई आई हुई है, उसकी परजाई मर मरी इंदौर में, क्योंकि उसकी गोद, इसकी गोद में उसका सिर था, उसकी जान नहीं निकलती। उसने फिर कहा, मेरा नाम ज्ञान फकीर आ गया है, तो रिश्तेदार उसके गीता या रामायण की शुरू पढ़ने लगे, तो उस औरत ने कहा, ज्ञान फकीर आ गया है, वो कहता है ये छोड़ो, राधा स्वामी, राधा स्वामी कहो। वहां राधा स्वामी को भी पता लग गया, वो भी आ गए। वहां से दो औरतें और दो आदमी इंदौर से मेरे पास आए, मैं कारखाने में काम करता था, उन्होंने मुझे बताया, ऐ संसार के प्राणियों, मेरे शरीर को कुछ परी मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे तो पता नहीं वो कौन। मैं नहीं गया। कभी तो मैं कहता हूँ इन बातों का पर्दा रख कर, जितने इस वक्त मध्य और मिले कर पंथ हैं, इन्होंने हम व्यक्तियों को बेवकूफ बना के लूटा, बेवकूफ बना के हमको लूटा है, हमारी जायदादें ली, हमको मूर्ख बनाया। अब मेरी समझ में नहीं आती थी कि कौन भगीर चंदवा गया। पीछे से पता लगा वो माई बैठी है, इसकी गोद में थी वो, इसकी पढ़ाई, तो उसकी जान नहीं निकलती थी। किसी ने उसको कान में कहा, बाकी फकीर का ध्यान कर, क्योंकि उसने उसको ख्याल दिया, उसके ख्याल ने उसके अंदर मेरा रूप कर दिया, मैं नहीं गया। ये राज है जिसको बताने के लिए मैं इस संसार में प्रकट हुआ हूं। ये जितना खेल है सब तुम्हारे अपने ही मन का है, जिस किस्म की तुम्हारी संस्कार है, आश है, कुछ है, उसी के मुताबिक तुम्हारा अंजाम होगा। और यही बात राजा स्वामी जाल मत में हरूर महाराज की प्रेमवाणी में लिखी है, जिसके अंतर अंत समय में फिर चलती है, जिस गुरु से नाम लिया वो गुरु भी आ जाता है, सबक सुना देता है, कुछ वक्त समय के लिए उसकी रूप रूप रहेगी, जब फिर कोई पूरा गुरु दुनिया में आएगा उसको जन्म मिलेगा, उसके संपर्क में आएगा, बाकी कमाई पूरी करेगा। अब मैं सोचता हूँ बाकी कमाई क्या रह गई, वो बाकी कमाई का ज्ञान मुझको तुम लोगों से हुआ, सुनिए। इस वास्ते अपना इष्ट प्रकाश और शब्द रखो। समझो मेरे गिरिराज, प्रकाश और शब्द रखो, मगर हर एक आदमी प्रकाश और शब्द को नहीं रख सकता, क्योंकि उसका मन साफ नहीं, उसके मन में संसार की वासनाएं भरी हुई है, दुनिया की आशाएं भरी हुई है। तो जिनके अंदर दुनिया की आशाएं भरी हुई है, उनके लिए मन को साफ करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए ये ध्यान योग है, सिमरन है और ध्यान है। तुम्हारी मर्जी है
कोई आदमी उनके अंदर गुरु का रूप नहीं पड़ रही। अरे बाबा नहीं होता तो ना देना, कोई रूप के प्रकट होता है तुम्हारे अंदर उसी का ध्यान देना, ताकि तुम्हारा मन जो है ये इकट्ठा होकर के निर्मल हो जाए। सिमरन ध्यान का शैल्य मन के साथ है और शब्द का शैल्य रूप के साथ है। तो जो चूंकि आम दुनिया रोज रोज श्रेणी की होती है, इस वास्ते संतों ने आम दुनिया को सिमरन ध्यान बताया है और वो मैं उनका खंडन नहीं करता, मुबारक। मगर असली चीज क्या है? प्रकाश और शब्द। जितनी जल्दी हो सके प्रकाश का शब्द और शब्द को साथ, मगर ये जल्दी होगा नहीं। मन के अंदर वासनाएं भरी हुई है, आशाएं भरी हुई है, अज्ञान है। मैं बधेरा साधन किया, जब से तुम लोगों से पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता मैं नहीं होता, तो मैं मन को छोड़ जाता हूँ। जब मैं साधन करता हूँ मन को छोड़ जाता हूँ। मुझे पता लग गया ये मन जो है ये तो यही यमराज है और यही धर्मराज है। बात मेरे ख्याल में मैंने बिल्कुल आसान और साफ कर। अब ये रह गया कि अपने अंतर में साधन करते वक्त मन को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। इस बात से संतों के मार्ग में दो 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 तरीके हैं, एक वैराग है और एक अनुराग है। संतों ने गुरु के रूप को वो अकाल पुरुष अकह अपार अगाध अनामी बता करके जीवों को राग मार्ग में लगाया। तो जो आदमी गुरु को वकील चंद या बाबा सावन सिंह व्यास वाला या कोई समझता है, वो लाख सिर पट के मर जाए, वो अपने घर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फन। गुरु किया है देह को सदगुण छीना न, कहे कबीर सादात को तीनता भरमा। गुरु आइडियल है, जब तक वो चीज उस रूप को तुम वो मानोगे वो परम तत्व आधार है। शास्त्र भी यही कहते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तत्व। मगर ऐसा विश्वास किसी का बैठना मुश्किल है आजकल जो पढ़े लिखे आदमी। मेरा बैठ गया था मेरे कर्म अच्छे, मेरा बैठ गया था मेरे कर्म अच्छे। तो गुरु के रूप को जो तुम्हारे अंदर पामा कहीं से भी तुमने नाम लिया, मैं इस बात का झगड़ा ही करता, वो तो तुम्हारे तुमने तुमके रूप को वो माना हुआ है जैसा तुमने गुरु को माना हुआ था जो होगा। इस वास्ते गुरु आइडियल है। परवश करी को गुरु ने क्या किया? गुरु को पर बलहारे मैं सतगुरु के मेरा दर्श करते भरम भागा, धर्म राय से तेने का तोड़ा, जम दुश्मन से दूर किया। गुरु ने क्या दिया थी? जो मुझ पर दया हुई मैं वो कहता। मैं दाता की बात को समझ नहीं सकता था, वो सैन बैन करते थे, इशारा करते थे, मेरी समझ में नहीं आती। ये समझाने के लिए मुझे ये काम किया था। मैं हल्दिया बयान करता हूँ, मैं ना गुरु हूँ ना महात्मा हूँ, ना मुझे गुरु बनने की हालत है। मैं तो सच्चाई का खास मानता, अपने घर जाना चाहता था, मैं कहाँ से आया, मैं हूँ कहाँ, मेरा मालिक कहाँ है। उस खबर में मैंने अपनी उम्र गुजार दी, क्योंकि मेरे से मैं ये ड्यूटी थी, इसलिए गुरु ऋण मेरे से पड़ता, मैं कर्जा उतारना चाहता। तो यमराज से बचने के लिए क्या तरीका है?
जिंदगी में एक इष्ट बना लो, राम का बना लो, कृष्ण का बना लो, गुरु का बना लो, जहाँ तुम्हारी मर्जी है। जब कब तुम्हारे प्राण छूटने लगे तुम्हारे सामने वो रूप आएगा, जब रूप आ जाएगा तो फिर तुम्हारे मन के अंदर ये तरह तरह के ख्यालात उठते हैं ना, वो नहीं उठेंगे, उस रूप में तुम लग जाओगे। तो यमराज से वो खलासी मिलने के लिए कैसे है, गुरु रूप का ध्यान, इस सर्वोत्तम रूप का बनाओ। जब तुम्हारा अंत समा आएगा या इस जिंदगी में भी जब तुम रूप तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारा यमराज छुप हो जाएगा, बतरनी नदी में तुम नहीं जाओगे। मगर अगर धर्मराज से भी तुम्हारी खलासी नहीं हुई है, तुमको चोला फिर लेना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में यही लिखा, मैंने किताब लिखी है गरुड़ पुराण की, मैंने गरुड़ पुराण की किताब लिखी। अंत समय में अनेक प्रकार की जिंदगी के अंदर खेले बनते हैं। सुबह में तुमसे को कितनी आवते हैं, कितने मन मेरे पास सुखने में, किसी को बाजू करता है, कोई दरिया में डूबता है, किसी का कुछ होता है, कुछ वो क्या है, वो है यमराज। जितना सुखने में हम अपने गंदे ख्यालों की गंदे विचारों की वजह से हमारे अंदर डर आता है, सांप आते हैं, सूए आते हैं, दरिया में डूबते हैं, बाजू करते हैं, ये है जमरा। तो अगर रूप का तुम्हारे सामने ध्यान है तो फिर क्या होगा, आप जमरा से बच जाओ। मैं ऊंचा बोलता हूं, आम दुनिया के लिए सबसे बेहतर यही है कि इंसान अगली मंजिल तो बड़ी दूर है, रूप को कायम रखे। मैं आज तक भी रूप को कायम रखता हूँ, अभ्यास के बाद जब मैं होता हूँ तो रूप मेरे सामने रहता जाता जाएगा। उस रूप के ध्यान करने से तुम्हारे मन के अंदर जो अनेक प्रकार की उथल पुथल होती है, जिसकी वजह से तुमको सुखने डावने आते हैं या अंत समय में डर लगेगा, उससे बच जाओ। तो धर्मराज का नाता कैसे टूटा, जब तुमने मुझे बताया कि मेरा रूप तुम्हारी मदद होता है, मैं नहीं होता, तो ये यकीन हो गया कि मन ही धर्मराज है, मन ही जमराज है। इस मन को छोड़ो बुढ़े होगी, शब्द और प्रकाश को पकड़, अब मेरी यही साधन है, यही कोशिश करता है। मगर सच पूछो, जब दूसरे की तुलनी होती है वो ज्ञान ध्यान खोल हो जाता है, मेरा तो हो जाता है, दूसरों को मुझे पता है। सच्ची बात क्या था, झूठ मेरी आदत नहीं बोलने, जब ज्यादा तकलीफ होती है किसी को तो वो जो ज्ञान ध्यान है ना मैंने सीखा हुआ, वो सब खोल हो जाता मेरा। जिसम की तकलीफ थी उसको ऊंचे जाने नहीं देती कभी, हो तो फिर जिसम की तकलीफ को ही भूल जाता, मगर हर वक्त नहीं भूल सकता। खबर नहीं मेरे लिए कमजोरी आ गई, काश ये महात्मा अपनी जिंदगी का कच्चा किच्चा दुनिया को बताते बजाय किताबों के हवाले रोड़े। हम महात्मा जितने सत्संग कराते हैं, कोई कहता पहली पातशाही ये कह रही, कुछ ये कहता दूसरी पातशाही, किसी कहती है गीता ये कहती है, कौशी कहती है अंजीर ये कहती है, कोई कहता कुरान जी ये कह, ये कोई नहीं कहता कि तेरे साथ क्या बीती भाई, तू बता, कोई नहीं बताया। मेरे साथ जो बीती है मैंने सच्ची बात बता दिया। अभी जब मुझे तकलीफ ज्यादा होती है लोगों की, तो वो ज्ञान ध्यान मेरा फुल हो जाता है। कोशिश जब किसी को मैं जहाँ बीमार था, आप भी आए थे, खुशी आती थी नहीं, तो उसकी मेरी सुन तो चल नहीं देती थी। इस वास्ते संतों के मार्ग में जहां तक हो सके अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। ब्रह्म रहे काया के ओरे, बिना काया ब्रह्म क्या बोले। कई सत्संगी जी से लापरवाह हो जाते हैं, जो मूर्ख, काया ही सब कुछ है। अगर काया का तुम ख्याल नहीं रखते, मुझे कहते कहीं बाबा तुम दुआइयां बड़ी खाता है, ये करता है, अरे क्या करूं, जब जिसम ही ठीक नहीं है तो सुध कहां चलेगी, बताओ मुझे। बात सच्ची कहते हो, महाराज झूठी बात नहीं। मैंने बाबा सावन सिंह जी को पीड़ जिसमें लेते लिखी,
मैंने कहा महाराज मुझे सुपने आते हैं, आपको आते हैं? अगर आते हैं तो किस किस्म के आते हैं? तीनों ऋषियों का जवाब नहीं आया। तीनों ऋषियों का जवाब नहीं आया ना, कोई बात सच्ची बताता नहीं। बस स्टेज पर मेरे जैसे आदमी बैठे होगा वो मेरे के बक 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 कर हम लोग महात्मा करते आगे क्या करना चाहिए? पहले सत्संग करो, सत्संग करके रात समझो कि हकीकत सुनिए क्या है। कई मुझे कहते बाबा तेरे ख्याल से, तेरे विचारों से सुनकर हमारे विश्वास टूट गए, और जो कुछ वो शिकायत करते हैं मैं उसको मानता नहीं। मगर बाबा अज्ञान का विश्वास आज भी तुमको मारेगा और कल भी तुमको मारेगा। बाबा सावन सिंह जब पीवन में बीमार हुए थे लोगों का अंधविश्वास था, अब जब उनके पेशाब से खून आता था बीमार थे, अब लोगों के दिल में संशय पड़ने लगे। अब इन्होंने क्या पाली की महाराज जी ने खून देते थे जो बाहर से आते थे पाकिस्तान से, वो अपना खून उनको देते थे उनको बचाते थे, इसलिए बीमार। अज्ञान की भक्ति का आज भी नुकसान है और कल भी नुकसान है, इसलिए मैं साझा नहीं करता। रस्ता बता दिया, अब मेरे चार सत्संग तुम सुन जाओ, तुमको फिर किसी और गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें अपने मन को आप ही संभालना है, आप ही काम करना है। क्योंकि इंसान निर्बल है, अपने पर विश्वास नहीं रखता, इस वास्ते वो सारा काम है। और मुबारक है वो महापुरुष जो मेरे जैसे जीवानों और कवलों को सारा देते, वो भी मैं जानता, मैं इनका खंडन नहीं करता। वो जीव ज्ञानी है मगर उनको सारा तो मिलता है ना। बाबा चरण सिंह भी सारा देता है, बाबा गोपाल सिंह भी सारा देता है, दूसरे महात्मा भी सारा देता, मुबारक है। मगर अगर ये सारा देने से दुनिया पब्लिक के नाराज वादा खाते हैं, ये मुझे ये जुर्म। तो आज था गुरु की अजमत, क्या मिलता है गुरु से? हो सकता है दोस्तों तुम मेरे भाई हो, मुझे जो भी मैंने समझा इसका दावा नहीं, तो मैंने जो भी समझा यही थी ना। मेरा जीवन सारा सजाई की खोज में गुजर गया। मैं अगर पर्दा रखता आज मैं लाखों करोड़ों रुपए का मालिक होता, जिसका मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है। जिसमें मैंने अभी निकाल दी थी वहां से चार आदमी आए थे, तो वहां जाओ जाकर मैं अगर तुमको काबू कर लेता, ये मैं इतने खाया करता, हाँ मैं गया था उसकी जान लेने के लिए, तो तुम सारों को मैं अपना मुरीद बना लेता, तुम सबको अपना जानवर बना लेता। जीव तो अज्ञानी है, निबल है, इनको सच्चाई का पता नहीं, सारा झूठ है। बस आगे बढ़ो। शबद पान परवान दिया काग कर्म तज हंस किया। तुमने क्या किया? मन का रूप समझा करके जीवों को ये कहा, भाई ये ज्ञान भी, ज्ञानी भी भूले, योगी भी भूले, ज्ञानी भी भूले, भगत भी भूले, उपासक भी भूले। ये वाणी है स्वामी जी की, भगत उपासक योगी ज्ञानी सब चक्कर खाया। मैं ब्राह्मण का बच्चा जब ये पड़ा करता था तो हाय भगत भी भूल गए, ये भी चक्कर में है, योगी भी भूल गए, ज्ञानी भी भूल गए। तो मैं कहाँ करता था मारे, मैं तुमको देने नहीं गया था, मैं कहाँ फंस गया? उस वक्त मैंने प्रण किया था इस रास्ते सच्चा होकर चलूंगा, लोग मेरा अनुभव होगा बता। अब मैं कहता हूँ लाख तुम ज्ञानी बने रहो, तुम्हारा अवागमन खत्म नहीं होगा। खाए राम का ध्यान करो, खाए बाबे वकील का ध्यान करो, खाए स्वामी जी का ध्यान करो, या बाबा सावन सिंह का ध्यान करो, बिल्कुल भी वो तुम्हारे मन का चक्कर है। इस वास्ते संतों ने इस कलयुग में नाम सुना में बताया, कली केवल एक नाम आधारा, एक शास्त्र नाम है शब्द की धुन, अंत में जो शब्द बोलता है उसको पकड़ो।
ये है सच्चाई, मगर इसको हर एक आदमी पकड़ नहीं सकता ना। कुछ करे कुछ कर्म रख कुछ पूरे लेख, देखो भाग कबीर का लक्ष्य भया अनेक। जिसके ग्रह होते हैं, जिसकी कुंडली में जन्म कुंडली में अच्छे ग्रह पड़े हुए होते हैं वो ईश्वर भाता है। हर एक आदमी लाइन का मुस्तक नहीं है, गलत है ना, बिल्कुल। मोक्ष के भी ग्रह होते हैं, ज्योतिष की जन्म कुंडली बताती है कि उसको मोक्ष के ग्रह पड़े हुए। जब तक उसकी ग्रह नहीं है वो लाख कोशिश करे अगर तो आएगा ही संतों के दरबार में, अगर आएगा भी तो सारी जिंदगी जो मर्जी करता रहे, मंदिर पर नहीं पहुंच सकता। ये है सच्ची बात, ये है सच्ची बात। कबीर ने भी यही कहा ना, भाई कुछ करने कुछ कर्म का कुछ पूर्व ले ले, मैंने यूं कह दिया तो ज्योतिष के मुताबिक है, कबीर ने यूं कह दिया, कुछ करनी कुछ कर्म का कुछ पूर्व ले ले, देखो भाग कबीर का लक्ष्य भया अरे। स्वामी जी महाराज के जीवन से की पड़ोस में उनकी जन्म कुंडली दी हुई है, हजूर महाराज को जन्म कुंडली दी हुई है, तो जो देख जैसे ग्रह हजूर महाराज को या बाबा सावन सिंह को या किसी को थे उसी के मुताबिक उन्होंने काम किया। उनकी कोशिश किस काम की, किस काम की, क्या कहा मैंने, बाबा साहब की कुंडली निकली थी 20 सवे की, मेरी निकली थी 10 सवे की। ये हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, इस मोक्ष पदवी तक एक जन्म में नहीं पहुंच सकता आदमी। जन्म जन्मांतरों की कमाई होती है। अजनाबी साहब बैठे हुए ये कहते हैं इनके निकला था, क्या उसका नाम है, रघु संख्या से कुंडली निकली क्या 14-15 साल है, कैसे ऐसे तुमको कोई महापुरुष मिलेगा, ऐसे तुम कहते थे ना। तो जिनके भाग में होता है वो मेरे सत्संग में सिर्फ वही आदमी आते हैं जिनका जिनके ग्रह अच्छे पड़े हुए होते, दूसरा आदमी मेरे सत्संग में आ नहीं सकता। कुनंद हम जिंस बा हम जिंस करवाज कबूतर बा कबूतर बाज बाबा, शक्कर खाने वाले को शक्कर मिलती है, जुआ खेलने वाले को जुआई मिल जाते हैं। आगे गोरे के मेरे से अगम निगम लख बिन गुर कोई मुकत भया। गुरु नाम है ज्ञान का, अगम कहते हैं ज्ञान को, निगम कहते हैं अज्ञान को। तो सत्संग में किसी कामल पुरुष के जाकर उसको समझ आ जाती है अगम ज्ञान की असलियत क्या है और गलती क्या है। अब मुझे आप लोगों की दया से समझ आ गई कि हकीकत क्या है। बस एक ख्याल है कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरी जिंदगी का सफर हो गया। सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मेरी मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि मैं सच्चाई का घाट मानता, अपने घाट जाना चाहता था। मेरा आज क्या है, मैं तो दाता दाई के रूप के साथ ही बंधा हुआ था और बुरी तरह फंसा हुआ था। इतना मैंने प्रेम किया है, थूक खाए हैं, बस एक दवा तो उनकी चोरी, मैंने उनका पुजा भी किया, वहम था भरम था, समझ में बात नहीं आती। इस तरह साफ कहने का जसूर नहीं था, क्योंकि साफ कह देने से डेरा नहीं बनता, पैसे नहीं आते, और दूसरे जीव अधिकारी नहीं है। ये काम जो मुझको दिया था मेरी उस कुलीद को बताने के लिए, आप लोगों की दया से मैं इस रात को समझ गया। अब कोशिश ये करता रहता हूँ कि मैं इस मन की चक्कर में ना फंसू ना, इसमें मन से तो मैं जब तुम जिंदगी निकल नहीं सकता, जब तक मेरी शरीर में मन में हूँ मैं मन से कैसे निकलूंगा। सिर्फ उसके रूप को समझ जाना, उसमें ना फंसना, सारा काम करना उसमें फंसना ना, इसका नाम है जीवन मुक्त अवस्था। आगे
कहे कबीर सुनो भाई साधो भगवान से रख लिया। तुम अलगवन से कैसे बचोगे जब तक यमराज और धर्मराज से तुम्हारा सिरका नहीं टूटता, जब तक तुम अपने गुरु को वकीलचंद पंडित मस्तराम का लड़का बाबा सावन सिंह जी व्यास वाले का ये समझते रहोगे तुम आवागमन से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। तभी तो मैं कहता हूँ कि हम गृहस्थियों को गुरु मत वालों ने ऐसा चकमा दिया है, हमको तो अपना जानवर बनाया था, हमारी औलाद को भी उन गलियों के जेलों का खिदमतगार बना लिया। सच्चाई नहीं है ये बात सच्ची है। तुम मैं सत्संग में आए हो, तुमको दो बातें बताता, अगर तुम सृष्टि से पार जाना चाहते हो, जन्म मरण से बचना चाहते हो, तो भाई अपने अंतर प्रकाश और सड़क को पकड़ो, सत्संग करके बात मन के चक्कर में मत आओ, उसमें फंसो नहीं। मन के चक्कर से तुम निकल नहीं सकते, ना मैं निकल सका, सिर्फ उसमें हंसना नहीं। और अगर दुनिया में रहना चाहते हो तो भाई इंसान बना, तुम्हारा ख्याल ही तुम्हारे लिए सुखदाई है, तुम्हारा ख्याल ही तुम्हारे लिए सुखदाई, इसलिए अपने मन वचन कर्म को शुद्ध रखो, मन वचन कर्म को शुद्ध रखो, अच्छा ख्याल रखो। क्या चाहिए बस ये। तो आप गृहस्थी हैं, मैंने तो आज सुबह एक चिट्ठी भेजी थी, उसका जवाब दे देता हूँ। अगर गुरु मुहूर्त का ध्यान ना करे तो मन और चित्त की सूरत एक जगह पर इकट्ठा कैसे करे। गुरु ही शुरू शुरू में मन का सर्वम स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा। जब ज्ञान हो जाता है और इंसान को संसार की इच्छाएं नहीं रहती है, फिर वो जा सकता है सूरत शब्द को, जिसको संसार की इच्छा वो कैसे जाएगा, नहीं जा सकता। मेरे पास कितनी चिट्ठी आती है, पहले तो बड़े बड़े ज्ञान ध्यान की बात होती है, मेरे लड़की इतने साल की हो गई है, उसकी शादी नहीं होती, आप क्या करते हैं, इतनी पहले ज्ञान ध्यान था कि पीछे देखिए देखिए। तो ये मार्ग संतों का आम दुनिया के लिए नहीं है, आम दुनिया के लिए मैंने आवाज उठाई है इंसान का। शिव संकल्प मत, अपने विचारों को ठीक रखो, अपने ख्याल को ठीक रखो, तुम्हारी जिंदगी बन जाए। तो गुरु स्वरूप का ध्यान शुरू में लाजमी अमर है, हर शब्द को करना चाहिए। मैं अब तक भी करता हूँ। अगर गुरु की मूर्ति को ध्यान के लिए दीगर मूर्तियों से ज्यादा उत्तम और मान्य न समझे तो ध्यान नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है। जिन शख्सों ने गुरु को भुखी चंद समझ के चंद का ध्यान करते हैं, उनका ध्यान बनेगा भी नहीं, इश्क नहीं आएगा, क्योंकि वो फकीरचंद को देखे, फकीरचंद में सैकड़ों ऐब हैं, उनकी नजर में फकीरचंद के ऐब भी सामने आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात को, मैंने क्या कहा है। गुरु में ऐब नहीं देखने चाहिए, मगर आज के पढ़े लिखा जमाना है, हम काबिलियत रखते हैं, बुराई देखते हैं, बुराई देखते हैं, इसलिए गुरु है आइडियल, इसका उसको पूर्ण मान लो, बस ये तुम्हारा विश्वास है, मानो या ना मानो, माने माना था मेरा काम करना। अच्छा, तीसरा इनका समाज आगे गुरु पर श्रद्धा विश्वास ना होगा तो ना तो ध्यान ठहर देगा ना गुरु भक्ति होगी, बिल्कुल ठीक। अब इतने गुरु है दुनिया में, माफ कर, हम जीव जाए तो कहां जाए, व्यास वालों के पास जाओ वो कहते हैं जो कोई जाए व्यास वाला है, संत के पास नहीं गया वो कहते जो कोई जाके पास नहीं गया, मेरे वाले जो कोई कहते दाता ज्यादा नहीं समझ में आती। जीव बेचारे जाए कि नहीं,
और फिर गुरुओं का हाल देखते हैं, हंसा वाले ने क्या किया, निरंकारी ने क्या किया, बताओ मुझे क्या किया। मेरे पास कल एक चिट्ठी आया था, हैरान है, बाबा सामन सिंह का पाकी का प्रीतम सिंह या प्रीतम दास, वो उसे वहां बना लिया है, मठ बना लिया, मध्य प्रदेश में मठ बना लिया, लोगों को समझ लो कहता दमोदर दास आया करता था, जहां मर गया बेहरा, वो भी उसके चकने में आ गया, वहां गया, वहां उनको ये पता लगा कि ये तो जो सतंगे आती हैं उनको काबू करता है। तो एक सत्संगन थी, उसका जो पति था वो ज्यादा विश्वासी था भूषण दास का, उसने उसको फिर हाथ डालने की कोशिश की, मगर कामयाब ने वो भाग गई, उसने उनको बोला, उसके खामी ने उसको मारा, तू मेरे गुरु की बदनाम कर, उसने दमोदर दास को बोला, दमोदर दास ने मालूम किया कि ठीक नहीं किया, वो तो वहां से अपने आरोप को अभ्यर्थी के रूप से पा गया, फिर वो मेरे पास आया। अब वो प्रीतम दास के बखराब कई मुकदमे भी थे, एक को मास्टरानी की वो उसने रख लिया, अब वो मर गया प्रीतम दास, अब जो उसकी वो रखी हुई आदत थी वो नहीं, अब वो गुरु बन बैठी, जीव बेचारे भोले फाड़े अज्ञानी, ना इनको मौत और ना इनको सब, यह है आजकल का गुरुइज्म। मेरे नंबर क्योंकि ड्यूटी की सिंचाई बयान करने की, इसलिए मैं सिंचाई बयान दिया जाता हूँ। गुरु नाम है ज्ञान का समझ, जहां से भी तुमको सच्ची समझ सच्चा विवेक मिलता है वो ले, और अपने जन्म को बनाओ। इस झगड़े में क्यों पड़ते हो, कीर्तन पूरा गुरु है या बाबा सावन सिंह पूरा गुरु है, जब गुरु तो ज्ञान का नाम है, समझ का नाम है, विवेक का नाम है। इस अज्ञान की वजह से हम सब भटका करते। कल यहाँ से कोई आदमी आए हुए थे, कोई तरजीब का एडिटर था पहला, वो भी बैठे थे मेरी बातें सुन, उनके साथ वही पहली और थी, वो मेरी साथ बहनी को सुन रखी, उसके बाद देखी है। तो मैंने ये काम जो किया है मेरे जिम्मे ड्यूटी है। तू तो आया नरदेही में कर दूर का पेशा, दुखी जीव को तीन तार की जीव दुखी है, निबल अबल और अज्ञानी। क्योंकि मेरे जिम्मे ड्यूटी थी, इस वास्ते मैं अपनी बहनों को अपने भाइयों को जो मैंने समझाया वो बताया जाता हूँ, मगर ये मैं दावा नहीं करता कि मैं जो कहता हूँ। मैं तो सेवक हुए, हुक्म था दादा जाय था सुखी, चोरा छोड़ने से पहले तालीम बनेगा। मैंने जो समझा वो कहा, दोस्तों आपका जी चाहे मेरे पास आया करो, आपका जी चाहे मेरे पास मत आया करो, आपका जी चाहता मेरे को किताब पढ़ो, आपको जी चाहता मेरे को किताब ना पढ़ो। सच्ची बात कहा, तो कोई पढ़ने की बात नहीं। आप समझते हैं मेरा ख्याल ठीक है, जो मदद मानवता मंदिर देना चाहते हो कर दो, आप मत करो। तुमको मुझको जो कुछ भी मिलना है मैं दर्द दिल से कह रहा हूं, ये हमारे तुम्हारे अपने कर्मों का फल है या विश्वास है। कम से कम 225 और मेरे पास आए जिनके 20-20 साल से बच्चे नहीं थे, प्रसाद ले लिए बच्चे हो गए। मेरी लड़की को 23 सालों को शादी की, मैंने कई दफा उसको प्रसाद दिया, अगर मेरे प्रसाद में ताकत होती तो मेरी लड़की की बच्चा हो जाता। ये पखंड का जाल है आजकल का गुरु मत, दुनिया पखंड को पसंद करती है। मैं पखंड ही नहीं करना चाहता, आप आ जाते हैं, आपकी दया है, मुझे कर्म काटने का मौका मिलता, जो मैंने समझा वो आपको बता दिया। आगे है कोई दो है करो। कबीर फकीरे अजब है जो गुर मिले फकीर, संसे शोक निवार के निर्मल करे शरीर। पढ़ो इसको नसर में पढ़ो। कबीर फकीरी अजब है जो गुरु मिले फकीर,
फकीरी बड़ी चीज है, अगर गुरु कोई फकीर मिल जाते समझते हो ना। गुरु करता क्या है, गुरु जीव को निर्बंध करता है। बंदे को बंदा मेरा छूटे कौन अपाए, कर संगत निर्बंध की तंग लय पर में लय किया। हमारे बंधन एक थोड़ी है, पुत्र का बंधन, भाई का बंधन, चाचे का बंधन, मधु का बंधन, गुरु का बंधन, ये सब बंधन ही है ना। हम बंधनों में फंसे हुए। तो जिस वक्त ज्ञान हो जाता है, समझ में आ जाता है, उस वक्त आदमी को शांति में बर्त करी तो क्या हुआ। कबीर फकीरे अजब है, जो गुर मिले फकीर, निवार के निर्मल करे शरीर। गुरु करता क्या है, गुरु के मैंने क्या है। गुरु समझ देकर, विवेक देकर इंसान के वहमात तुहमात भ्रम शंकाएं को दूर करके उसको शांति बचता। ये मेरी समझ में आया। मुझे तो शांति तुम लोगों से मिली, दया तो दाता दया की है, बस इसी एक ख्याल है कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मुझे शांति मिली। मैं समझ गया कि सब कुछ तुम्हारी अपने मन का खोल है, और आप इसी वास्ते में इस उम्र में दाता दया तो है नहीं, आप सत्संगों को ही अपना सच्चा सदगुरु मानकर हमेशा नमस्कार करता हूँ। हमेशा सदगुरु का मैं मान करता हूँ, आप सत्संगों का, क्योंकि मुझे जो कुछ मिला आप लोगों से, तो आप लोग सत्संग में आते हैं, मैं तो ऊंचा बोल गया, ऊंचा कैसे बोल गया, आपको दुनियादारी की बातें बता देता। पहली बात, अगर सुख और शांति चाहते हो तो अपना मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य रखा करो, ज्यादा विषा मत होगा करो। बस एक बात लिखता ही जा रहा, जो शख्स भी ज्यादा मेरे पास नौजवान आते हैं, कोई चार चार साल के फिर हुए हुए हैं, कोई कुछ, मैं समझता हूँ इनका दुख किया है। हम नौजवान बच्चे हर तरीके से अपने ग्रंथ कल को छोटी उम्र में खराब करते हैं। लड़कियां होता ही रहती है, फिर उनको अशांति आ जाती है, तो या तो गुरु महाराज लूटते हैं साधु, तो या फिर डॉक्टर लूटते हैं। एक बात, दूसरा, जहाँ से खोज के घरों में शांति से आते, तुम्हारे ख्याल में बड़ी ताकत, जैसा ख्याल है वैसा हाल, जैसी मति है वैसी गति है। जब हम हालों के दिल में किसी से दुश्मनी रखते हैं, क्रोध करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। घर में शांति रहते, ये दुनिया का व्यवहार की बात है। कमाओ, अपने जाती खर्च को जहाँ तक हो सके कम करो। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अपनी जिंदगी सादा हो और ऊंचे विचार हो, दुनिया के हालात के मुताबिक रहकर अपने आप को एडजस्ट करो। तब तुम्हारा, मैंने एडजस्ट किया, मैं सारी जिंदगी ईमानदार रहा सिर्फ अपने लिए। अगर मैं उस वक्त अपनी ईमानदारी को दूसरों पर ठोंसना चाहता तो मैं नौकरी नहीं कर सकता था। दूसरे दुश्मन हो जाते हैं, नहीं समझ में आती है, मुकदमे चला देते हैं, झूठ सच बना करके दूसरे को फंसा देते हैं। ये दुनिया ऐसी है। इस वास्ते जिंदगी में जहाँ तक हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी जाती का, और दूसरे जितनी तुमको आमदन है उससे ज्यादा हाथ मत करो। बस तुमको ये बता देता है, जो आदमी अपनी आमदन से राह खर्च करता है वो पछताता है। मेरी और बीमार रहती थी, मैं गरीब था, इलाज नहीं कर सकता था, मैंने दूध पान होम्योपैथिक डॉक्टर था, इससे दवाई ले आता था, वो बताया देख जाता था मेरी वाइफ को पैसा नहीं चार्ज करता था, तो जो दवाई कीमत होती उसमें से 12 आने में मुझे मेरे को से 4 आने मुझे माफ कर देता, मैंने कोई उसका इलाज नहीं कराया। आ गया, उसने कहा मैं मदद करता हूँ, उसने अपनी आम जहाँ तक हो सके तुमको व्यस्त कर्जा मत उठाओ।
दोपहर का पैसा खर्चा नहीं है, जो तो सौदा हम ले आते हैं बेच के उनको पैसे नहीं, कर्जा मत होता अगर सुखी आना चाहते हो। कर्जा भराना बाप का बेटी भली न एक, चलना भराना कोष का सरदर रखे थे। तीसरी बात, जहां तक हो सके अपने मन को किसी न किसी काम में लगाया जाए, बेकार मत रहा। इसका दिमाग बेकार रहता है, एम्प्टी ब्रेन, आइडल ब्रेन इज होम ऑफ डेविल, अंग्रेजी का मामला। इसके दिमाग में खाली रहता है ना, उसमें खराब विकार, काम अपना करो, दूसरे के काम में मत दखल दो। स्वामी जी मानिए क्या हुआ, कुछ क्या हुआ, कितने शुरू किया है। अरे तो स्वामी जी ने बात की है, सब ने कहा काम अपना करो भाई, पराए काम करो, काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों लगना, धाम अपने करो भाई, पराए काम क्यों लगना। हर एक आदमी अपने अपनी ड्यूटी करता है, अपने अपना काम करो। ये तो घर देश हमारा है नहीं, हमने यहाँ से चले जाने, कोई दस का या दे दिया, कोई बीस का, कोई सौ का, मन दे दिया है तुमको, हम दे स्वामी की जुबानी है, मैं आपको सुना देता हूँ। क्या असूल है हम लोगों को, संत मत वालों को, हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। हजार नामे हैं, भोजन थोड़ा खाओ तेरे भले की कहूँ, जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ, ऐसे भी शब्द है ना, कड़वा बचन मत बोल तेरे भले की कहूँ। अब तुम सत्संगी तो हो गए, या हुशियारपुर के या ब्यास के या आगरे के कहीं के, तुम्हारे कड़वे बचन नहीं जाते। तुम अपनी जुबान से अपनी औरतों का दिल दुखाते हो, अपने ग्वालियों का दिल दुखाते हो, फिर तुम ये कहते हो कि तुम सत्संगी हो, तुम भूल जाओ तुम सत्संगी हो। हजार नामा है सार बसन जैसे लिखा हुआ ना, वो दिन थोड़ा खाओ जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ, करवा बचन मत बोल तेरे भले की कहूँ। ये है हदायतें हम लोगों को गलत में रहने की। तो उन्होंने यूं कह दिया, मैं कहता हूँ घर में शांति रखा करो, कोई बात एक किया करते बयान का फर्क है, कोई नहीं थी तो मैंने कही नहीं। काम अपना करो भाई, गुरु भक्ति के बजाय खबर के प्रकाश का स्रोत कैसे प्रयास करेंगे। पहले ये सवाल है गुरु भक्ति क्या, तुम लोगों ने यह समझा गुरु के पैर धो दो, गुरु को कपड़े पहना दो, गुरु के मंदिर बना दो, गुरु का ये गुरु भक्ति है। युवाओं में ये गुरु भक्ति नहीं, गुरु भक्ति है दर्शन करे वचन को नहीं सुनने, सुन सुन कर ले तो मन में गुन ले, गुनगुन कर रहे थे सारा कार्य। तो जब गुरु भक्ति तुम करोगे, बात को समझोगे, फिर तुम अपने आप ही मन को छोड़ के अपने शब्द में चले जाओगे। ये समझ में आती है। अच्छा आगे शब्द में प्रकाश का आनंद छोड़कर रूप क्यों वापस आ जाते हैं, ये एक सवाल है। ये मैं भी हल नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता वापस आना, मगर आ जाता हूँ। इसको बोलते हैं प्रारंभ कर अपनी बस की बातें। मैं तो अभ्यास कर रहा था तो वापस ना आऊ, रोज रोज कभी खाद है, कभी ये है, कभी वो है, मैं कहता हूँ उससे बच जाऊ, मगर मेरे पास की बात है। इस वक्त ये मौत क्या है, मैं अपनी बात कर। अरे क्या हो गया, शब्द नहीं निकला, चलो भाई पहले शब्द धाम है, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो, हाँ जी धाम दाई जी। चलो भाई पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, नाम
ते का रंग सब मैला धोला ले माने ये है कहना भोग सारे कोई दिन के सहज में त्याग ते चलना शरण सत गोर गहो दृढ़ कर तरो ये काज पेल रहना सूरत मन थामे अव घट में पकड़ धुन फंसे तुम जाल में भारी बिना ऐसे युक्त नहीं खुलना गोरो अब दया कर कहते माने ये बात चित धर जो कहते हैं गुरु भूख मार वो तो कहते हैं गुरु बात कहता है तुम मेरी बात को मान दुनिया ने गुरु युद्ध को गलत समझा है और दुनिया पागल काम अपना हम कहीं से तो आए हैं कहीं जाएंगे आखिर हमारा देश तो है नहीं आप ही बताओ हम जहाँ हमेशा के लिए आए हैं कोई दर्शा है जो भी तो जिन शख्सों को यह ख्याल होता है कि हम इस चक्कर से बच जाए उनके लिए यह संत मत है जो दुनिया में ही दिन कर भी माली का दिन का मतलब है उनको लिए तो संत मत है ही नहीं उनको भी जरूरत है अरे भटक में क्या उम्र खोते कहीं नहीं थे तुम लगना बसो तुम आए नैन में सिमट कर एक यहाँ होना दो ए यहाँ दूर हो जावे दरेस्ते जोत में धरना देखो क्या है कौन समझ है अंदर में सिमटो अंदर में सिमटने से दूरी दूर हो जाएगी तो तुम हमेशा सारी जल्दी बाबा वकील को या बाबा सावर सिंह को गुरु को रूप को ध्यान करोगे तुम द्वेष से गए कहां सुना बिरदार जो आदमी सारी जिंदगी अपने गुरु के रूप के साथ ही बंधा हुआ है उसको गैर समझ के उसकी पूजा करता रहता है वो द्वेष से क्या कहते आगे जो समझा सुनता है क्या काम है मगर ये इतनी ऊंची बात है आम लोग इनको समझ नहीं सकते पर उस करी को क्या कारण दो यहाँ दूर हो जावे दरेस्ते जोत में धरना श्याम तज सेत को गहना सूरत को तान धुन सुनना बांक के द्वार धस बैठो तेरे कोटे जाए कर लेना सोने चढ़े जा धसो भाई सूरत से एक बात याद आ गई मैंने एक किताब दी है
पांच नाम और पांच दस्तावेज। वहां मैंने ये साबित किया है कि घंटा क्यों बजता है, ये लाल रंग क्यों पैदा होता है, ओम क्यों होता है, ऐसे मैंने साबित किया। कल परसों प्रोफेसर भारद्वाजा, उसका एक दोस्त था जो हजूर महाराज राय साहब राय सालिग्राम साहब का शिष्य था, कहता भारद्वाज ने उसने मुझको ये चिट्ठी लिखाई थी, उसकी हजूर महाराज को लिखी हुई उसके नाम चिट्ठी थी। एक वो लाल रंग के ध्यान में लाल रंग का सूर्य देखता था। हजूर महाराज ने लिखा कि लाल रंग का ध्यान बहुत मत किया करो वरना पागल हो जाओगे। लाल रंग का ध्यान बहुत मत किया करो वरना पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों लाल रंग हमारे अंदर क्यों प्रदर्शित होता है? जब मैं किसी चीज को जोर से पकड़ता हूँ ऐसे जोर लगा दो मेरे मुंह में लाली आती है कि नहीं आती? ऐसे ही जब मन अंतर में चलता है, जोर लगाता है गुरु मूर्ति को देखने के लिए, उसके सूक्ष्म रंग का जो जोर लगता है वो लाल रंग उसके अंदर पैदा करता है। तो मुझको जो मेरा तजर्बा था वो सच्चा साबित हुआ। मैंने बोला भी चिट्ठी मंगवा दे, कहेगा वो तो अब मर गया, मगर मैंने चिट्ठी हुआ हजूर महाराज जी उनके नाम, तुम अभ्यासी हो तुमको मैं बता देता हूँ। एक और जो जबलपुर से आई थी मेरे पास फिरोजपुर में, कहा करता हूँ ना, तीन बच्चे लाके आई थी, वो चिकुटी में मेरा ध्यान करती थी। उसने मांगा क्या था, मुझको लड़कों से छुट्टी मिले, तो मैंने कहा था उसके तीनों बच्चे मर गए, अब वो पिछली उम्र में पागल हुई है, उसका हवन मुझे मेरा पिछले दवाजे में दौड़ी में गया था। ये वो राज है जो कोई महात्मा नहीं बताता, उनकी अमली जिंदगी नहीं है, वो तो किताबों के हवाले देते हैं। आप मेरे भाग को समझे ना, खून का दौरा जो दिमाग के अंदर हमेशा ही ज्यादा जोर लगता रहेगा, तो आप डॉक्टर हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि उसके दिमाग में बैलेंस ही नहीं रहेगा। ये सिर्फ साक्षात करने की जरूरत है, इसी बात से बार बार कहा जाता है, अगर सत्संग काफी मिल जाए तो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा अभ्यास करने की। बाबा जगत सिंह ने अपने एक डॉक्टर को मैथपुर में, जब मैं वहां सत्संग करने गया मास्टर मोहन लाल था, तो उसने कहा बाबा जगत सिंह ने, जब मेरा सत्संग उसने सुना वो प्रभावित हुआ, उसने कहा बाबा जगत सिंह ने ये कहा था कि आइंदा आने वाले संत जो कुछ हम क्या कह रहे हैं आगे कहेंगे। नहीं समझ में आती है, तो आप लोग अभ्यास करके, अभ्यास हमेशा सह लीज से होना चाहिए, जो हमेशा ज्यादा जोर लगाते रहते हैं वो ठीक नहीं है। सह समाज उसका नाम है, आप अभ्यास करते हैं, कई मैंने साल देखे हैं पागल हो गए, अभ्यास के कितने ही आदमी मैंने देखे पागल हो गए। गलत युवा से कहते हैं गुरु, मगर आजकल के गुरु बताएंगे क्या, गुरु तो बन गए, ये खुद इनकी सेजन नहीं पास हुई, क्या बताऊं तुमको। तो आप जो अभ्यासियों को मैं कह देता तो मेरा अनुभव ठीक है, सहज रीत से अभ्यास किया जाए, मतलब तो मन की वृत्ति वृत्ति को रोकना है। शुरू शुरू में जरूर जरा मेहनत करता, मैंने बड़ी बड़ी बखेरे अभ्यास कर दी, बारह बारह घंटे अभ्यास कर दी, मैं सुना में अभ्यास करता था, रात को बैठ जाता लाई दे लेता ऊपर सारी रात बैठ जाता, जब दूसरी रहती है कि मेरे पास आता तो ये कहती है तुमको क्या मिलता है, जिनको दफ्तर का काम करके और रात को कहीं जाते रहते हैं। मैंने कहा मैं दुनिया को भूल जाता, कहेंगे तो मामूली बात है, मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, तेरे बच्चे हैं, तेरे भाई के बच्चे हैं, भैंस है, रस्सी बेचती हूँ, मक्खन निकालती हूँ, पर शाम को मैं लाते चौकी करके सो जाती हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ कि तूने अभ्यास किया तो तूने क्या कर दिया।
मेरे पास कोई जवाब नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब मैं समझता ये ज्यादा अभ्यास का शौकीन पता कौन होते हैं, कुछ इनके पिछले कर्म होते हैं जिनके धर्म से जुड़े हुए होते हैं। मैं बात सच्ची कहता हूँ, जो बुरा है जो अच्छा है। योगी आनंद लेता है किससे, अपने अंदर इष्ट को बनाकर। कामी बाहर से आनंद लेता है अपने और को इष्ट बनाकर, किसी और को इष्ट बनाकर। उस ये स्थूल काम है, वो सूक्ष्म काम है। योगी कहां काम से बचा? सोचो मेरी बात को, किसी ने अपनी आरोप के साथ इष्ट लगाया या किसी आरोप के साथ इष्ट लगा के आनंद लेने की कोशिश की, बहुत अच्छा। वही वो अपने मन के अंदर गुरु का रूप बना के या राम का रूप बना के वहां आनंद लेता है। कामी वो है, कामी वो है, वो स्थूल है, ये सूक्ष्म। बात में बड़ी मार के भी कह रहा हूं, बात में बड़ी मार के भी कह रहा हूं। जिस शख्स की सेहत ठीक है, जिसका ब्रह्म, उसको ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत ही क्या है? अभ्यास है क्या? अभी के मैंने, पहले आज के मैंने होने की जो चीज पहले हमारे पास मौजूद है वो अभ्यास है। हमारी सुरक्ष के अंदर समान ताकतें मौजूद है, उनमें खेलना ही अभ्यास है। और है क्या? तो आप लोग सत्संग में आते हैं, मैं आपको आसान से आसकार तकलीफ बताता हूँ। ज्यादा जोर लगाने, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अपने मन को इकट्ठा करना। क्योंकि ये महाचंचल होता नहीं, इसलिए इसको ठहराने के लिए मुक्त रूप है। जब गुरु बेहतर जानता है कि उसकी योजना करना है। मैं खुद बुजुर्ग रहा हूं, छोटी उम्र की शादी ने मुझे बर्बाद किया हुआ था, छोटी उम्र की शादी ने मुझे बर्बाद किया हुआ था। बच गया दादा दादी गया कि 12 साल बचे बुला गया आया बच गया, वरना मेरा पता नहीं क्या हाल होता। और फिर आप बिल्डर, आप लोगों को नाम देते हैं, आपको बता देता, जब इंसान साधन अवस्था में हो उसे ज्यादा विषय नहीं कमाना चाहिए। मैं बस ये बगदाद से आया वापस, दादा ने कहा तेरे औलाद नहीं औलाद पैदा कर। मैं अभ्यास भी करता था और आदमी पैदा करता था, ताकत तो एक थी, उसके प्रकार में फंस गया, सेहत खराब हो गई, हजम कुछ नहीं होता था। 25 साल मैंने ना अन्न खाया, ना चावल खाए और ना दालें खाई, ना चावल रोटी खाई। बाहर जाता वो महात्मा जी बड़े बड़े करने वाले हैं, भले को अन्न नहीं खाते। मैं तो कहा करता था महात्मा नहीं है ये, गंदा आदमी है, मैंने ये हड्डियां खाई है तो आपसे मेरी भूख मर गई है। क्या कहा मैंने? समय तो मेरी बात को नहीं है, मैं अपना कच्चा चिट्ठा तुमको बता रहा हूँ। 13.5 साल की उम्र में शादी हुई, 15.5 साल की घर में फंसा, तो फिर मुझे अशांति मेरी किस्मत में नहीं आनी थी, किसकी किस्मत में आनी थी? इस वास्ते तुम लोग जो अभ्यास करते हो, जब अभ्यास करते हो तो सब कम कमाया करो, बस ये तुमको बता देता है, वरना दिमाग से खराबी आ जाएगी, सेहत बिगड़ जाएगी। यह है नुक्ते जो मैं तुमको नुक्ते बता रहा हूं। आसान तरीका यह सहज योग है, इसमें मेरी चीज क्या जरूरत है? साधारण मन को लगाना है ना, क्या जरूरत है कि तुमको बामी चूचे बावड़े सांपना मारा जाए? सांप ही सबको खाता है, बामी ने कुछ खाए आया जब ये बामी है, सांप इसके अंदर मन है, जिसमें तो कुछ किसी को नहीं कहता है, तो बामी ये सांप है ना, बामी तो किसी को नहीं डरता, मन डरता है। इस वास्ते मन को सरल करने के लिए चाहे सुमरण चाहे ध्यान शुरू शुरू में रखो, सिर्फ मन को ऊपर कंट्रोल रखो और कुछ नहीं। एक मार्ग बिल्कुल आसान है, दादा भरवाया करते 6 महीने का कोर्स है और मैं कहता हूँ 6 दिन का कोर्स। अगर बात समझ में आ जाए,
हम यहाँ इबादत करने के लिए नहीं आए, हम नहीं आए हैं यहाँ इबादत करने, हम आए तेरे बंदों की सेवा करने। इबादत वो करता है जिसमें कोई ना कोई कमजोरी है, बात सच्ची कहता है। किसी महात्मा ने अपनी कच्चा शिक्षा तुमको नहीं बताया ना, बाबा सामू जी ने इशारा जरूर किया सारी दुनिया में, तो मेरे साहब ये मैंने अगर पता हो तो मैंने दूसरा जन्म मिलना है तो मैं अगले जन्म बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, ये लिखा हुआ सारी दुनिया में। इससे क्या मैंने, वो इस कमी को महसूस करते थे, वो इस कमी को महसूस करते थे। क्या कहा मैंने, तो अपने सेहत को बनाए रखो, शांत भाव से जिंदगी गुजारो, खुशी से जिंदगी गुजारो, काम करो सुबह शाम राम राम, जिनको काम रात को आराम, बेकार मत रहा करो। समझो मैं जो बिजली है, तुमने भी जगत का अभ्यास किया, तू बता क्या मिला तुमको, ना बता, एक मस्ती भी नहीं और क्या मिला, खुशी मिली, आनंद मिला। तो मैंने आज आपको आगे कही है कोई करो सोने चढ़े जाधा सो भाई सूरत से मान सरनाना महासुन चौक अंधेरा वहां से जागो फसना। सारी जिंदगी पागल रहा, महान सुन क्या निकला, मन में संकल्प का ना उठने न उठाना जो अवस्था है वो महान सुन, बिल्कुल सही। अफुल गति का नाम महान सुन और है बानी लिखने वाले कुछ और है, ये पंथ जब चलाए जाते हैं इसको खास एक टीका होता है, हर शब्द के लिए एक ही राय नहीं है। मैंने कल दादा दादी किताब पर सुनाई थी मां सोहनलाल को, वो कहते हैं ये सब दर्जे सब पर नहीं खुला करते ना, जैसी जैसी जिसकी प्रकृति है वैसे वैसे दर्जे खुलेंगे, मंदिर मखसूद पर सब पहुंच जाएंगे। मंदिर मखसूद क्या है, शांति परम सुख बेगैबियत बेहौफी अभयपन, ये है हमारा मंदिर मखसूद। बाकी जो कुछ है ये रखते हैं, संतों ने वाणी में लिख दिया संत जीव को बंद गाड़ी में ले जाते, ऐसा लिखा वो वक्ता उठा, अब वक्ता उठा। तो आज मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया, कोई कसर छोड़ी नहीं। अच्छा अब आरती कर दो। चरण साक्षात पार ब्रह्म तत्व श्री गुरु नमः। गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, गुरु साक्षात परमात्मा है, गुरु नु नमस्कार है। हरि गुरु मूर्त एका वर्ते नानक हरि गुरु पाया, मतलब गुरु तो भाव रूहानी आगू है, गुरु तो भाव रूहानी आगू है। देव शब्द, शब्द संस्कृत दे धातु विच तो निकलिया है, जिसके अर्थ हन प्रकाश और नूर। सो गुरु देव तो भाव होया, अध्यात्मक आगू जो अज्ञान अंधकार नू ज्ञान प्रकाश नाल दूर कर दे दे। तुलसीदास जी ने गुरु दी महत्ता उपर बहुत बल दिता है। श्री गुरु पद लख मणि गण ज्योति सिमरत विद्या दृष्टि हीरे होती, मौलाना रूम फरमाउंदे हन। ये फारसी दा जी गुण सगन स्वरूप में अविनाशी राधा स्वामी गुणाते गुण सगन स्वरूप में अविनाशी राधा।
दुख सागर सुख बिल सही मान सरोवर नहाए कोट काम सी कामनी देखत नैन अघाय सूरत नाम सुने जब काना हंसा पावे पद निर्वाणा अब तो कृपा करी गुरुदेवा साथ सुफल भई सब सेवा नाम दान अब ले सुभागी सतनाम पावे बड़ भागी मन बचे कर्म चेतन राखे गुर के शब्द अमीरस चाखे आदे अंत के भेदे पावे पवन आड़ मिले बैठावे सब जग झूठ नाम एक साचा सांस सांस में साचाराचा झूठा जान जगत सुख भोगा साचा साधु नाम से जोगा ये तन माटे इंद्र छारे सतनाम साचा अधिकारी नाम प्रताप जुग जुग भाखी साध संत ले हृदय राखी बड़ी जो साध की जाके नाम आधार सतगुर केरी दया ते उतरे भाजल पार प्रथम एक जो आप निराकार निर्गुण निर्जाप नहीं तब भूमि पवन आकाशा नहीं तब पावक निर्निवासा नहीं तब पांच तत् गुण तीनी नहीं तब सृष्टि माया कीनी नहीं तब आदे अंत मध्य तारा नहीं तब अंधधुंध उजियारा नहीं तब ब्रह्मा विष्णु महेशा नहीं तब सूरज चांद गणेशा नहीं तब मछ कछ बारा नहीं तब भादो फागुन माह नहीं तब कंस कृष्ण बल बावन नहीं तब रघुपति नहीं तब रावण नहीं तब सरगुण सकल पसारा नहीं तब धारे दस अवतारा नहीं तब सरस्वती जमुना गंगा नहीं तब सागर समंद तरंगा नहीं तब तीर्थ व्रत जग पूजा नहीं तब देव दैत्य और दूजा नहीं तब पाप पुण्य
नहीं तब पढ़ना गुण ना लिखा, नहीं तब वेद वेद पुराना, नहीं तब भैक देव कुराना। कहे कबीर विचार के तब कछु कर तम ना है, परम पुरुष तहाँ आप ही अगम अगोचर माहे। करता एक अगम है आप, बाकी कोई माए न बाप। करता के बंधो नहीं नारी, सदा अखंड अगम अपारी। करता कछु खावे नहीं पीवे, करता कब हूँ मरे न जीवे। करता के कछु रूप न रेखा, करता के कछु वरन न भेखा। जाके जाते गोते कछु नाही, महिमा बरनी न जाए मो पाही। रूप रूप नहीं तेह ना, वरन वरन नहीं तेह ठा। कहे कबीर विचार के जाके वरन न गा, निराकार और निर्गुना है पूरन सब ठा। कहे कबीर विचार के जाके वरन न गा, निराकार और निर्गुना है पूरन सब ठा। सगन स्वरूप में अविनाशी राधा स्वामी, निराकार सा कार्य अनुपम सुख रासे राधा स्वामी, निराकार सा कार्य अनुपम सुख रासे राधा स्वामी। दीनानाथ कृपाल दयाला, प्रतिपाला जगदाधारी, सतलोक सत धाम निवासे सतवासे राधा स्वामी। बिरज विहोम मंगल दानी चेतन घन बिमल आनंद महाकाम अकाम सकाम प्रकाश कैलाश राधा स्वामी। रूप रहते कार रहते मन यमन रहते अद भूत धामी, नहीं नाम अनाम नहीं नामी सर्वानामी राधा स्वामी।
गुरु रूप में तेरी महिमा, इस रूप में प्रेम मिले मुझको, मन वचन कर्म से जपा करो राधा स्वामी राधा स्वामी, मन वचन कर्म से जपा करो राधा स्वामी राधा स्वामी, गुनाते ते गुण सगन स्वरूप में अविनाशे राधा स्वामी, उड़े जा रे उड़े जा रे कुमतिया काग, उड़े जा रे तुम्हारो वचन मुहे नीक ना लागे, तुम्हारो वचन मुहे नीक ना लागे, श्रवण सुनते दुख जागे, श्रवण सुनते दुख जागे, उड़े जा रे कुमतिया का। कोयल बोले सुहावन लागे, कोयल बोले सुहावन लागे, सब सुन सुन सब सुन सुन अनुरागे, उड़े जा रे कुमतिया काग, हमारे सैया पर देश बसते हैं, हमारे सैया देश बसते हैं, मोर चित चरणन लागे, मोर चित चरणन लागे, उड़े जा रे कुमतिया काग। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु मिले बड़े भागे, गुरु मिले बड़े भागे, उड़े जा रे कुमतिया काग, उड़े जा रे। आई गवन वाकी सारी उम्र, अब ही मोरी बारी, आई गवन वाकी सारी उम्र, अब ही मोरी बारी, साज समाज पिया ले आए और कहरिया चारी, साज समाज पिया ले आए और कहरिया चारी, बमना बेदर दी अचरा पकड़ के,
हम ना बेदर दिया चरा पकड़ के जो रहते गठिया हमारी जो रहते गठिया हमारी सखी सब पारत गारी सखी सब पारत गारी आई गवन वाकी सारी उमर अब ही मोरी बारी विधिगते माम कछु समझ परत ना विधिगति माम कछु समझ परत ना बैरी भई महतारी बैरी भई महतारी रोए रोए अखियां मोर पोंछते रोए रोए अखियां मोर पोंछते घर वसते ते निकारी घर वसते ते निकारी भई सब को हम भारी भई सब को हम भारी आई गवने वाकी बारी उमर अब हम मोरी बारी गवने कराए पियाले चाले गवने कराए पियाले चाले एते उत बाट निहारी एते उत बाट निहारी छूटत गाँव नगर से नाता छूटत गाँव नगर से नाता छूटे महल तारी छूटे महल तारी करम गति करे ना तारी करम गति करे ना तारी आई गवने वाकी सारी उम्र अब ही नदिया किनारे बलम मोर रसिया नदिया किनारे बलम मोर रसिया दिन घूंघट पट तारी दिन घूंघट पट तारी थर थराए तन कांपन लागे थर थराए तन कांपन लागे काहू ना देख हमारी काहू ना देख हमारी पियाले आए गोहारी पियाले आए गोहारी आई गवने वाकी सारी उम्र अब ही मोरी वारी कहे कबेर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो यह पदले हो बेचारी यह पदले हो बेचारी अब के गाना बहुर नयाना
के गाना बहर नयाना कर ले भेंट ये तवारी कर ले भेंट अंकवारी एक बेर मिल ले प्यारी एक बेर मिल ले प्यारी आई गवनवती सारी उम्र अब ही मोरी बारी अब रो बावरो सखी ज्ञान है मेरा बावरो सखी ज्ञान है मेरा मात पिता मोहे नित ही सिखावे मात पिता मोहे नित ही सिखावे बरिझे बैरो बेरा बरिझे बैरो बेरा जान कॉल करे आयो पिया से जान कॉल करे आयो पिया से सो बने एक ना हेरा सो बने एक ना हेरा कहिया गन वो तेरा कहिया गुन बहु तेरा बावरो सखी ज्ञान है मेरा आए गयो अनोहार रसजनी आए गयो अनोहार रसजनी कियो दर बजवे डेरा कियो दर बजवे डेरा जल्दी डोलिया फंदाए मांगे बले मो जल्दी डोलिया फंदाए मांगे बले मो लावे ना ताने को देरा लावे ना ताने को देरा देखे सब लोग घनेरा देखे सब लोग घनेरा बावरो सखी ज्ञान है मेरा रोए रोए सब पूछन लागे रोए रोए सब पूछन लागे कब करी हो तुम फेरा सास समुद्र पार तेरा ससुरा सास समुद्र पार तेरा ससुरा लौटब कठिन करेरा लौटब कठिन करेरा यहाँ कहो नाओ नवेड़ा यहाँ कहो नाओ नवेड़ा बावरा सखी ज्ञान है मेरा कहे कबेर जब पिया से मिलूंगी कहे कबीर जब पिया से मिलूंगी जिया न्योछावर मेरा जिया न्योछावर मेरा आवागमन ना
या नगरी आवागमन ना होए या नगरी ये लेखा सब तेरा ये लेखा सब तेरा झूठ दुनिया का बसेरा झूठ दुनिया का बसेरा बावरो सखी ज्ञान है मेरा लखी हाँ कब लखी हाँ मंदी छोर कब लखी हाँ जरा मरण में तो जिया के रो जरा मरण में तो जिया के रो जियत मरत दुख जोर जियत मरत दुख जोर हे साहेब कब लखी हाँ बंदी छो हे साहेब मैं बारी भोरी हे साहेब मैं बारी भोरी आखरे लखी हाँ बंदी छो हे साहेब मोर भरम मिटावो हे साहेब मोर भरम मिटावो राखो चरण कियो राखो चरण कियो कब लखियाँ बंदी छो कहे कबीर सुनो मोरियाँ मैंने कहे कबीर सुनो मोरियाँ मले ले चलूं फंदा तोड़ ले चलूं फंदा तोड़ कब लखी हाँ बंदी छो जरा मरण मेटो जिया तेरो जियत मरत दुख जोर कब लखियाँ बंदी छो की बारे ओ बारिये मेरी हर दिन दयाल हो अब की बारे ओ वारिये मेरी अर्जी दीन दयाल हो आई थी वा देश से हो भाई पर देशन नारे आए थे वा
साहेब मैं ना भूलूं दिन राती जैसे नारी कहे पिया अपना जैसे नारे कहे पिया अपना रहे बिरे रस माती रहे बिरे रस माती अंतर वागे उठे मलोला अंतर वागे उठे मलोला बिरह दहे तन छाती बिरह दहे तन छाती साहेब मैं ना भूलूं दिन राती गम अगम को जानते नहीं गम अगम को जानते नहीं रोके काले चानक घाटी शरण की वंदना कोई और न काम गुरु बसो चित आए मेरे बख्श दो निज नाम तेरी शरणागत हुआ जब किस की आकुआ तो तेरी दया की जग से रहूं रूप जाऊं नाम गाऊं शादरासामन आठो जाम तेराई सुमरन भाग पर निज कर कमल कर दिया चरण लगा पतित पापी कर गया गुरु शरण तेरिया मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी ला राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरण चरण की वंदना कोई और न काम गुरु जो चित आए मेरे भज दो निज चाहिने होकर तेरे चरणों में गिरा दीने और आधीन होकर तेरे चरणों में गिरा मैं बेबस हूँ सांचे न कुछ काबूरा मैं बेबस हूँ पिता सांचे न कुछ काबूरा त्रुटियाँ ही त्रुटियाँ जो तुझसे पोहिदा नहीं त्रुटियाँ ही त्रुटियाँ
जो तुझसे पोशीदा नहीं मैं पतित हूँ पतित पावन तेरा पतित हूँ पतित पावन तेरा है आसरा दीन और अधीन होकर मैं निवल बलवान तू बल दे मुझे बलवान कर मैं निवल बलवान तू बल दे मुझे बलवान कर आस तो विश्वास तू है तू ही तू नहीं दूसरा आस तो विश्वास तू है तू ही तू नहीं दूसरा मुक्ति की ख्वाहिश नहीं ख्वाहिश है तो बस एक है मुक्ति की ख्वाहिश नहीं ख्वाहिश है तो बस एक है हृदय भक्ति का मुझे दे रंग भक्ति का चढ़ा हृदय भक्ति का मुझे दे रंग भक्ति का चढ़ा लाज रख ले नाम की मैं नाम लेवा हूँ तेरा लाज रख ले नाम की मैं नाम लेवा हूँ तेरा सत पुरुष